देहरादून का रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों को दस्तावेज से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में देहरादून बार एसोसिएशन ने मंगलवार को कोर्ट में काम न करने की घोषणा की, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूरा मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की। दरअसल देहरादून में हुए सरकारी और खाली जमीनों के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने दो वकीलों के साथ अन्य 9 आरोपियों को अरेस्ट किया। वकीलों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस केवल वकीलों को निशाना बना रही है, जबकि मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि बिना अधिकारियों के कैसे जमीनों के दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व में क्लेमेंटाउन में घटी कोठी पर बुलडोजर मामले में मुख्य आरोपी केपी सिंह को क्यों पुलिस शरण दे रही है, जबकि केपी सिंह ही रजिस्ट्रार ऑफिस मामले का मुख्य आरोपी है। अगर पुलिस जल्द सही से कार्रवाई नहीं करती तो वकील सड़कों पर उतरकर पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। कल बार को कल उसके आगे अगर सीबीआई नहीं जाता तो क्या आप लोग कुछ? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सीबीआई की जो हमने मांग करी है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाकर दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ भी यही कहेंगे कि जो इसमें जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं, जिन्होंने करोड़ों का राजस्व का नुकसान किया, आम आदमी का नुकसान किया और अपनी जेबें भरी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जिन सरकारी कर्मचारी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे एडीएम हो, जो भी इन 20-22 सालों में उत्तराखंड में आए हैं, उनकी भी तो संपत्ति की जाँच हो एक बार, उनकी भी तो प्रॉपर्टी की जाँच हो जाए एक बार कि उन्होंने क्या अर्न किया है, क्या उन्होंने अपनी शासन में अपनी संपत्ति बताई है कि मेरी संपत्ति कहाँ कहाँ है। चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बताई अपनी संपत्ति कहाँ कहाँ है। घेराव की बात भी आपने की है कि कुछ घेराव भी किया जाएगा, ये घेराव किस तरह से होगा, कार्रवाई इसका क्या करेंगे? हम कल हापुड़ की घटना को लेकर और जो अधिवक्ता उनमें एक भय का माहौल बना दिया है उसको लेकर के कल हम न्यायालय से कार्यों से विरत रहेंगे, और अगर पुलिस द्वारा हमारे किसी अधिवक्ता के साथ नाजायज जिसका जो दबाव बनाया जा रहा है अगर वो बनाया गया तो माननीय डीजीपी साहब का और माननीय एसएसपी साहब का भी घेराव किया जाएगा। वकील ने कोई फेक डॉक्यूमेंट बना दिए, वकील ने कोई ऐसे पेपर क्रिएट कर दिए, वकील क्या जिल्द बदल रहा है? रिकॉर्ड रूम का एक अधिकारी होता है, उसकी बिना सहमति के क्या डॉक्यूमेंट या कोई जिल्द में हेरफेर हो सकता है? बिना किसी तहसीलदार की या बिना किसी एसडीएम के क्या मिटिजन दाखिल खारिज हो सकता है या R6 में R5 में चढ़ सकता है? क्यों बताया जा रहा है उनको, क्यों बता रहे हैं उनको SIT उनको, क्यों उनको बाहर अलग कर रही है? और जो अधिकारी जांच कर रहे हैं और जो पुलिस के और भी अधिकारी होंगे, क्या उन्होंने भी अपनी अपनी संपत्ति को शासन को बता रखा है? आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, बहुत अच्छी पहल थी उनकी जो आज ये जांच चल रही है, ये उजागर आ रहा है उन बेचारे लोगों को जिन्होंने इसमें प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उनकी आज हालत क्या है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं इसे सीबीआई के लिए रेफर किया जा रहा, क्यों नहीं सीबीआई की जांच हो रही इसमें, और क्यों नहीं SIT जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनका पूरा रोल है उनको क्यों नहीं पकड़ रही, उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा, केवल एक अधिवक्ता को? आप पेपर लेकर के आते हैं अधिवक्ता के पास, आप अधिवक्ता उन्हीं पेपर के हिसाब से आपकी रजिस्ट्री तैयार करता है, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार साहब के पास पेश करता है, रजिस्ट्रार साहब उस पेपर को चेक करते हैं। क्यों नहीं अब तक किसी रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया गया, क्यों नहीं किसी रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी हुई अब तक? अधिवक्ता का काम है पेपर तैयार करना और सक्षम अधिकारी के पास पुट करना, वो पुटअप कर दे रहा है रजिस्ट्रार पे, कागजों की जाँच करने का काम रजिस्ट्रार का है, रजिस्ट्रार जाँच कर रहा है। क्यों नहीं रजिस्ट्रार कब तक एक भी रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई आपको या आपके माध्यम से हमें सुनाई पड़ा हो या पुलिस के माध्यम से सुनाई पड़ा हो किसी रजिस्ट्रार को पकड़ लिया? क्यों नहीं पकड़े रजिस्ट्रार को? क्यों छोड़ रहे तहसील के कर्मचारियों को? क्यों नहीं पकड़े सरकारी कर्मचारियों को? जैसे आपने